मम्मी। थैंक यू बेटा। बेटा पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन झिझक रही हो। जी मम्मी आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक है। तो बेटा कह दो ना, आप माँ बेटी में कभी तकल्लुफ तो नहीं था? मैं तकल्लुफ नहीं बरत रही मम्मी, बस मुनासिब अल्फाज का इंतखाब कर रही हूँ। जो भी अल्फाज तुम्हारे दिमाग में आ रही कह दो ना बेटा, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। मम्मी आप जावेद को तो जानती हैं ना? वही जो तुम्हारे बॉस अजान का दोस्त है, यहाँ भी आ चुका है ना? जी वही। क्या हुआ उसे? आपको वो कैसे लगे? हाँ बेटा, हैंडसम है, टॉल है, साहिब सरवत है, कहीं तुम उसके बारे में संजीदा तो नहीं? अरे नहीं मम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप। अलबत्ता वो मेरे बारे में संजीदा हो गए। अच्छा, तो क्या उसने इजहार किया या सिर्फ तुम्हारा अंदाजा है? वो आज उन्होंने मुझे प्रपोज किया है। फिर तुमने क्या जवाब दिया बेटा? पहली बात तो ये है कि मैं उसकी किसी भी बात का जवाब देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, और दूसरी बात ये कि मम्मी इतना बड़ा कदम उठाने से पहले मैं कम से कम आपसे तो मशवरा कर सकती हूँ ना? हाँ बेटा, यही तुम्हारी सादत मंदी है। तुम एक होशियार और समझदार लड़की हो। अगर तुम समझती हो कि जावेद का रिश्ता तुम्हारे लिए मुनासिब है तो मैं भी राजी हूँ बेटा। मगर मम्मी मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, इस बात का अजान पे क्या असर पड़ेगा? वही असर होगा जो अजान की अबिया से शादी होने के बाद तुमने लिया। बेटा हमने अपने जख्म खुद ही सींच लिए। जी मम्मी। मैं आपसे कुछ। हाँ मैं जानता हूँ बेटा, वो तुम्हारी नई प्रोजेक्ट के लिए मैंने मशीनें फ्रांस से बुक करवाई थी, और दैट इज वन ऑफ द बेस्ट मशीन। अभिया ये क्या किया तुमने? अभिया आंखें खोलो, अभिया प्लीज आंखें खोलो। माय गॉड। हेलो माय स्वीट बॉय, कैसे आदमी हो तुम? तुम्हें कैसे वो खून में कोई फर्क महसूस नहीं होता? अभिया ये क्या पागलपन है? पागलपन? मैं तो ये देखना चाहती थी तुम उसे कितना प्यार करते हो और तुम मेरे लिए परेशान होते हो या नहीं। मगर अभिया उसके लिए ये क्या तरीका है? ये अभिया का स्टाइल है। क्यों, अच्छा नहीं लगा किस तरह तुम आंधी तूफान की रफ्तार से आए और आने साथ पुकारने लगे अभिया? मैं तभी समझ गई तुम उसे कितना प्यार करते हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो। प्लीज अभिया, मैं ऐसी सिचुएशंस हैंडल नहीं कर सकता, और किसी के प्यार को आजमाने का ये क्या तरीका है? सॉरी, तुम्हें बुरा लगा? अच्छा अब तुम देखना, जब तुम ऑफिस से वापस आया करोगे मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखूंगी, तुम्हारा कैसे इस्तकबाल करूंगी, तुम्हारी सारी थकान दूर कर दूंगी। तुम वाकई पागल हो गई। अच्छा तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या मैं ये नहीं कर सकती? कर सकती हो, जरूर कर सकती हो अगर करना चाहो तो। अच्छा अब नाराज तो नहीं हो ना? नहीं लेकिन लेकिन कुछ नहीं, तुमने मुझे माफ कर दिया, मेरे लिए इतना ही काफी है।
और हाँ, कभी मुझसे नाराज मत होना, कभी मुझसे दूर मत होना, वरना मैं पागल लड़की हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। ओ हाँ, एक बात और, मैं तुम्हें सरप्राइज देना तो भूल गई। अब और कौन सा सरप्राइज बाकी है? एक मिनट, ये देखो। ये क्या? टू एयर टिकट। हम यूरोप के टूर पर पूरा एक महीने के लिए जाएंगे। नहीं अभी आप, एक महीना तो क्या, मैं 3 दिन के लिए भी मुल्क से बाहर नहीं जा सकता, काम का इतना लोड है। प्लीज इन्हें कैंसिल करा दो। ठीक है, मैं कैंसिल करवा देती हूँ। और अब 3 टिकट्स मंगवा लेती हूँ। 3 टिकट्स किसके लिए? एक नवीन के लिए। तब तो तुम चलोगे ना? अभी यार, शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बात करती। मैंने ऐसा क्या कह दिया स्वीट हार्ट? कभी मैंने पूछा कि तुम और नवीन ऑफिस के कैबिन में बैठकर आपस में क्या बातें करते हो? बताओ, टेल मी, कभी मैंने ऐसा पूछा? नथिंग बट क्रेजी नैरो माइंडेड साइकोपैथ। तुम्हारी सोच इतनी घटिया जिस पर तुम्हें नहीं मुझे शर्म आ रही है। घटिया मैं नहीं, घटिया तुम हो, समझे? मुझे घटिया कहते, मुझे, तुम हो घटिया, तुम हो। मुझे कहते हैं मेरी सोच घटिया है। तुम जो मर्जी कर लो आजाद, तुम सिर्फ मेरे हो। आजाद हूँ सर, मैं आपसे। हाँ मैं जानता हूँ बेटा, वो तुम्हारी नई प्रोजेक्ट के लिए मैंने मशीनें फ्रांस से बुक करवाई थी, एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट मशीन इन द वर्ल्ड।